इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज जहां एक और ब्रॉडगेज रेलवे लाने से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में अभी हम सब भूले नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है, मई के माह में हमको देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। मेक इन इंडिया जैसी ट्रेनें आज रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। इन सबके साथ इनके साथ साथ रेलवे लाइनों का तेजी से आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण का भी काम पहली बार भारत के इतिहास में इतनी तेजी से किया जा रहा है। मैं इस मंच पर खड़े होकर आप सबके समक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 तक 1350 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ और 2014 से लेकर अब तक 6565 किलोमीटर तक ये पहुंच गया है। आप दोनों में अगर फर्क करेंगे तो एक लंबा दोनों के बीच में अंतर है। जैसा हम जानते हैं कि रेलवे को माल ढुलाई से सबसे अधिक फायदा होता है, इसमें भी आज अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। 2014 से पहले रेलवे 1058 मीट्रिक टन माल ढुलाई का काम किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी एक नया कीर्तिमान बनाया, नया इतिहास बनाया है। 2023 में 1512 मीट्रिक टन रेलवे माल की ढुलाई कर रहा है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में हुआ है, वह काम है देश में नई रेल लाइन बिछाने का। और रेलवे के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो 2014 से पहले 1561 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे और 2014 से 23 तक अभी तक 5243 किलोमीटर तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनको पहले नामुमकिन समझा जाता था, मुश्किल समझा जाता था, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे उत्तराखंड में पहाड़ तक जो ट्रेन, जो हमारे बच्चे बैठे होते थे, कई सारे ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेल नहीं देखी, कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर सामने आकर कभी रेल को नहीं देखा, उनको रेल देखना ही नहीं बल्कि रेल उनके पास तक पहुंच रही है, ये सपना भी उनका साकार हो रहा है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जिस तेज गति से आज आगे चल रहा है, कभी क्या इससे पहले भी ये प्रयास किए जा सकते थे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की यह योजना नए और बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, मैं आप सबकी तरफ से उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति भी हम सबका उत्साहवर्धन करेगी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार उन सभी जो विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बना रही है, जिन पर देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया, जिन्होंने शासन करने का काम किया है, उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जिस प्रकार से न केवल रेलवे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में,
सशक्त बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वह अभूतपूर्व है। और मैं कहूं भूतों ने भविष्यति, और विपक्ष में रहने वाले लोगों ने, अगर हम पूर्व का अगर इतिहास खगा लेंगे तो रेलवे को हमेशा मूल भाव के लिए इस्तेमाल किया है। हमने पूर्व में देखा है कैसे रेलवे के जरिए सरकार के सहयोगियों को शांत किया जाता था। भली भांति हम जानते हैं रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता था। इन कुचक्रों ने रेलवे को जो विकास की ओर ले जाना था